सुप्रभात बच्चों, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इस सभ्यता में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। शवों के साथ आभूषण व प्रसादन सामग्री उनके साथ रखने से ऐसा स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। स्वास्तिक चिन्ह बच्चों आप लोग ने देखा होगा, घरों में बनता है पूजा के समय में। ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जिससे कि सूरज की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता में तीन मुख वाले एक पुरुष देवता की भी पूजा का प्रचलन था। कालीबंगन में मिली मिट्टी की ऐसी पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग व योनि के प्रतीक मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये लोग शिव की भी उपासना करते थे। इसके अलावा वृक्षों की पूजा का भी प्रचलन था और संभवतः पशु पूजा भी यहाँ पर होती थी। बच्चों अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण। पहला है इसमें से बाढ़ और भूकंप। इतिहासकारों के अनुसार बाढ़ और भूकंपों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि खुदाइयों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आती थी। फिर है सिंधु नदी का मार्ग बदलना। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदलने से मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगर का विनाश हो गया। तीसरा है बढ़ती शुष्कता, शुष्कता मतलब सूखापन, और गग्गर नदी का सूख जाना। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन उस क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता और घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हुआ। बर्बर आक्रमण अर्थात की पतन का कारण आर्यों के आक्रमण भी थे। पर्यावरण संबंधी असंतुलन, संक्रामक रोग, जलवायु परिवर्तन, उपर्युक्त सभी कारणों अथवा इनमें से किसी एक विशिष्ट कारण से ही संभवतः सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। बच्चों ये था आपका पहला पाठ, ईंटे मन के तथा अस्थियां। तो तीन वीडियो में आपका ये मैंने संक्षिप्त में ही आपको बताने का प्रयास किया है, और अब आप इसके कुछ प्रश्न अपनी कॉपी पर लिखिए और उनके उत्तर भी आप लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको लिखने का अभ्यास नहीं होगा तो वो आपको परीक्षा में बहुत मुश्किल आ सकती है। तो पहला प्रश्न आप लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के जल निकास प्रणाली का वर्णन करिए। तीसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा की सभ्यता की जानकारी किस प्रकार हुई। सभ्यता की खोज में विभिन्न पुरातत्वविदों के योगदान का विवेचन करिए। एक और क्वेश्चन लिखिए आपकी, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, विवेचना करिए। एक प्रश्न और है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। बच्चों एक बात ये है कि अगर आप ये मतलब ये सारे ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपके इनमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं लघु उत्तरी अति लघु ये सब आपको इनमें से मिल जाएंगे।